हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप एवरीवन गुड, एवरीवन इज फाइन। तो अभी मतलब राइड की अपनी फुल ऑन तैयारी चल रही है। मतलब बाइक में अभी क्या क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या पैकिंग मैंने कर ली है, क्या क्या तैयारी मैंने कर ली है राइड के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरा लगेज बैग, जिसके अंदर मेरे क्लॉथ्स एंड एवरीथिंग है, जो कि अपने टेल पर मतलब पिलियन सीट पर ये टाई हो जाता है। तो मतलब ये इजी टू कैरी है। ये राइनोक्स का वाटरप्रूफ बैग है जो कि मैंने लद्दाख राइड के टाइम लिया था। देन उसी के साथ ये है अपना टॉप बॉक्स। टॉप बॉक्स में मैंने अभी टैंक बैग भी रख लिया और बाकी जितने भी एसेसरीज है, मतलब जो भी अपन को राइड के दौरान चाहिए होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। लैपटॉप मेरा, कैमरा वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखा है। उसी के साथ इसके अंदर पूरा थोड़ा बहुत अपन को प्रोटेक्शन मिल जाता है, वाटरप्रूफ वगैरह सब कुछ ये आता है। उसी के साथ लॉक सिस्टम भी यहाँ पर अपन को मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छा होता है। उसी के साथ विंटर लाइनर मेरे पास रखा है, तो लेट्स सी उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अभी क्या करते हैं ना, अभी कि बाइक के अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। अभी अपने पास कूलेंट है, कूलेंट फिल करना है बाइक में, और चेन ल्यूबिंग के लिए दिव्योल का चेन ल्यूब मैं यूज करता हूँ, जिससे बाइक अपनी हो जाती है बहुत स्मूथ। मतलब चेन वगैरह बहुत स्मूथ चलती है, जिससे बाइक में मतलब बार बार ज्यादा मतलब ये अच्छा, मतलब वन टाइम अगर करोगे तो उसके बाद आपको 500-600 किलोमीटर के बाद ही करनी पड़ेगी, तो ये इसका बेनिफिट है। तो अभी इसको भी करेंगे और चेन क्लीन भी करनी है, तो ये सारे काम है वो अपन अभी करने वाले हैं, क्योंकि यार फिर कल शायद से निकलना है अपन को, तो आज पूरी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अपन कूलेंट को थोड़ा सा फिल करेंगे, क्योंकि अपना मैक्स लेवल से थोड़ा सा कम है और इतना लॉन्ग राइड में कूलेंट की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि बाइक बहुत ज्यादा हीट अप होगी, तो इसके लिए कूलेंट को थोड़ा सा फिल करना जरूरी है। कूलेंट के बाद अपना टर्न आता है चेन का, तो चेन को यहाँ पर अच्छे से अपन को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि चेन बहुत ज्यादा गंदी हो रही है ऑफ रोडिंग करके भी। मतलब अपन ने चेन को ल्यूब नहीं किया था, क्लीन नहीं किया था, तो यहाँ पर आप चेन की कंडीशन देख सकते हो, पूरी डस्ट डस्ट यहाँ पर लगी है। मतलब वही है ना, मिट्टी पूरी लगी है और यहाँ पर भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो इसको पूरे अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद बाइक वॉश का टाइम आएगा, बाइक वॉश करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। और अपन को क्या करना होता है, हर 1000 किलोमीटर पर 100 ml ऑयल अपन को इंजन में टॉप अप करना पड़ता है, क्योंकि अपनी जो सर्विस पीरियड है वो होता है 8000 किलोमीटर, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑयल कम होता रहता है। तो कंपनी ने बताया था कि हर 1000 किलोमीटर पर आप 100 ml टॉप अप करो, जिससे कि बाइक में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये अपन को फॉलो करना है। तो अभी देखते कितनी लंबी राइड होने वाली है, उस हिसाब से अपन टॉप अप करेंगे। मतलब अभी 100 ml तो टॉप अप करके रखना पड़ेगा, बिकॉज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी बाइक चल चुकी है। तो देखो, कुछ अपने पास कुछ सोर्स नहीं है कूलेंट डालने के लिए यहाँ पर, तो इसकी वजह से हमने सीरीज को लिया है और यहाँ से ऐसे फिल कर करके जुगाड़ करके इसमें कूलेंट फिल करना पड़ रहा है, टॉप अप करना पड़ रहा है, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास अभी, तो ऐसे ही कर लेंगे। क्योंकि ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना, सिर्फ थोड़ा बहुत होगा, 50 ml के करीब फिल करना है अपन को। तो देखो, अभी चेन क्लीन करने का टाइम है, तो चेन को अच्छे से क्लीन करते हैं। इसके जितने भी बॉल्ट्स वगैरह है सब पर अच्छी खासी डस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इस वाले पार्ट्स को, गियर लीवर को, ये सब कुछ अच्छे से क्लीन होगा तब जा करके अपनी बाइक पूरी चमचमाएगी, वरना तो फिर गंदी ही रहेगी पूरी। तो देखो, बाइक को अभी वॉश करवाना है, तो वॉश करवा लेते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाइक पर अपना माउंट कैसे होता है, कैसे सेटअप लगता है, वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखो, ये है अपना टॉप बॉक्स, तो इसको सबसे पहले माउंट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर चार बोल्ट्स को अटक जाता है, उसके बाद जो ये सेकंड वाला लोग इसको प्रेस करते हैं, खुल करना होता है। उसके बाद ये हो गया अपना फिक्स, देन उसके साथ ही है अपना टेल बैग, क्योंकि अपने इस पर लगेगा। इसको कैसे माउंट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लॉक हुआ, देन उसके साथ ये वाला जो लॉक है फिर उसके बाद ये होता है थर्ड वाला लॉक, इसको तीन लॉक पर माउंट करना होता है। तो ये अपना फिक्स हो गया बैग पूरा, अपना बाइक का सेटअप रेडी। मतलब यहाँ पर ये टॉप बॉक्स, उसके बाद टेल बैग, उसके बाद यहाँ पर एक बनने की जगह है, उसके बाद यहाँ पर टैंक बैग भी लगा सकते हैं, जो कि मैं लगाऊंगा। उसके लिए मुझे चाहिए इसकी माउंट्स, जो कि इससे मिसमैच हो चुकी है, मतलब मिस हो चुकी है। वो लगवाने के बाद अपन रेडी टू गो है, बस बाइक को वॉश करना है, उसके बाद सब कुछ तैयार है। चेन ल्यूब करना बाकी है, चेन ल्यूब करेंगे, बाइक वॉश करेंगे, उसके बाद कल निकल लेंगे। प्रॉब्ली एक दो काम भी रास्ते में, वो करते हुए निकलेंगे। तो अभी ये सब कुछ डन है, बाइक को वॉश करके आते फिर मिलते हैं। तो देखो, बाइक हो चुकी है अपनी वॉश, प्रॉपर वॉश हो चुकी है, उसके बाद अभी करना है इसको चेन ल्यूब। चेन ल्यूब में अपन यूज़ करेंगे दिव्योल का चेन ल्यूब, जो कि है बहुत एफिशिएंट, मतलब बहुत अच्छा काम करता है ये चेन के लिए। और मतलब थोड़ी सी ड्राई हो गई, ये देखो इसका आप देख सकते हो, मतलब इतना
इतना बढ़िया है ना, मतलब नॉन स्टिक ही आपको ये चेन ल्यूब आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल प्रॉपर आप इससे ल्यूब कर सकते हो, तब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे ल्यूब करने में, और काफ़ी अच्छा है ये। और चेन ल्यूब इज डन, अभी बाकी है अपनी चेन फिक्स करने की, चेन को टाइट करना है, वो थोड़ा सा लूज हो रखी है अपनी चेन, तो चेन को टाइट करेंगे उसके बाद अपनी राइड स्टार्ट है, मतलब वो कहीं भी करवा लेंगे, ऑन द वे भी अपन करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपनी बाइक प्रॉपर अभी रेडी है टूर के लिए, तो जस्ट अभी बैकपैक वगैरह सब कुछ किया हुआ है, जस्ट रेडी होकर के निकलेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, और आपने फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर लेना जाकर के, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, खुद हाफिज़, ख्याल रखें अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।